मैं अभी एक बिलियन ट्री की बात कर रहा था, मुझे याद आ गया इससे, वो 50 लाख घर कितने हैं? पूछे कोई भाई, पूछे जो भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर वन, और फिर एहतजाज ही एहतजाज रहा, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। देखता हूँ अपने मुल्क को, कौम को और अपनी रियासत को, लेकिन रियासत के सतूनों ने भी कोई रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो सतून भी जिम्मेदार हैं, मैं भी, मुझे से लोग भी जिम्मेदार हैं और आप भी जिम्मेदार हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले जेल में बैठे शख्स से पूछें कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया, ये मार धाड़ में नंबर वन और कारकर्दगी में सिफर हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि आंसू गैस के शेर लेकर खैबर पख्तूनख्वा से इस तरह पंजाब आते हैं जैसे माजी में वस्त एशिया से लोग पंजाब पर हमलावर होते थे, ऐसे अनासर के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। धरनों की सियासत और इन लोगों ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। रियासत के सतूनों ने भी रियासत के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, खराबी के जिम्मेदार रियासत के सतून भी हैं। नवाज शरीफ ने लंदन जाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया। जराए के मुताबिक आईनी तरमीम के मामले में पेशरफ ना होने पर फैसला किया। आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद नवाज शरीफ लंदन और अमरीका जाएंगे। पार्लियामेंट खुद चाहे तो आर्टिकल 63A और आर्टिकल 136 खत्म कर दे, कोई जज अपनी ख्वाहिश आईन में नहीं डाल सकता। आमरियत ना अब मुल्क में होगी और ना ही इदारों के अंदर होगी। आर्टिकल 63A नजरसानी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, कहा फर्ज करें एक वजीर आजम अपने दफ्तर को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करे, इस वजीर आजम के अपने मेंबर इसे हटाना चाहें तो इस फैसले से वो रास्ता बंद कर दिया गया है। इस अदालती फैसले की मौजूदगी में तो अपोजिशन भी तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकेगी। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि फैसला लिखने वाले जज को बेंच में जरूर होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह को दो बार इस बेंच में बैठने का कहा, अब हमारे पास किसी को पकड़कर बेंच में बिठाने का इख्तियार तो नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, अब कोई ना बैठना चाहे तो क्या जिरगा भिजवाएं, मैंने एक केस सुना इस पर नजरसानी आए और मैं ना बैठूं तो क्या अपने हलफ की खिलाफवर्जी नहीं करूंगा। अली जफर बोले, अदालत को इस केस में जल्दी क्या है, चीफ जस्टिस ने तकरीबन 2.5 साल बाद केस लग रहा है और आप इसे जल्दी कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। तिरसठ नजरसानी केस सुनने वाले 5 रुकनी बेंच पर पीटीआई के वकील अली जफर का एतराज मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल को अली जफर की बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए मुलाकात का इंतजाम करने की हिदायत। समाअत के दौरान वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं हुई, कानून में कमेटी के दो अरकान के बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं आए, उन्होंने जो खत लिखा है वो अदालत में पढ़ना चाहता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ मुतालिका पैराग्राफ पढ़ें, खत पढ़ा तो उसका जवाब भी पढ़ना होगा। आप जजेस को शर्मिंदा और सबके सामने बेइज्जत करना चाहते हैं, किसी जज या वकील को इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे माइंड पर बात करे, मेरे इकदामात बिल्कुल शफाफ हैं। अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब नहीं कर सकते, आपने कहा फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया। बेंच पर एतराज मुस्तरद करते हैं, मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 63A केस की समाअत के दौरान खुद को पीटीआई का वर्कर कहने वाले शख्स की जजेस को धमकी। मुस्तफैन कासमी ने बिला इजाजत रोस्टम पर आकर कहा, 5 रुकनी बेंच गैर आईनी है, हमारे 500 वकील बाहर मौजूद हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। हिदायत के बावजूद ना बैठने पर चीफ जस्टिस ने मुस्तफैन कासमी को कमरा अदालत से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। वकील पीटीआई अली जफर से कहा, आप आए और हमें बेइज्जत करें, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आपसे जो थोड़ी हमदर्दी थी वो भी इस रवैये से खत्म हो गई। वकील फारूक इश्नाइक से मुकालमे में कहा, आप वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, वकील के कंडक्ट का नोटिस लिया। फारूक नाइक बोले, सुप्रीम कोर्ट से बदतमीजी करने वाले वकील को नोटिस जारी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मकदम किया।
कहा, आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख्स से रोशनास करवाया। उम्मत मुस्लिमा को आप पर फख्र है। आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचा कर एक इंतहाई अहम फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पाकिस्तान आकर मेरी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। मेरा यही मिशन है कि दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम आम करूं। अगर हम इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। कभी सुना कि जेल से ये पैगाम आया हो कि तुमने दिन रात जो है वो आवाम का रोटी और आटा और खाने की चीजें सस्ता करने में तुमने तवज्जो देनी? मैंने तो कभी ये बातें नहीं सुनी। हमेशा सुना है कि वहाँ पर आग लगा दो, वहाँ पे घराव कर लो, वहाँ पुलिस वालों के सर फाड़ दो। उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। मेरी तबीयत ऐसी नहीं है। पंजाब ने इनकी एक कॉल पर कान नहीं धरे। आज भी इनकी कॉल थी प्रोटेस्ट की, कहीं दो लोग निकले, कहीं पाँच लोग निकले, कहीं सात लोग निकले। लाहौर में एक जलसा किया, पूरे पंजाब से 2000 बंदा नहीं निकला। सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है दहशतगर्दी की नहीं। पंजाब में इनकी कॉल पर कोई नहीं निकला, लाहौर जलसे में कोई नहीं आया। ये केपीके से लोग लाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर पीटीआई पर वार, कहा किसी को गाली देना नहीं चाहती, इनकी ऐसी तरबियत नहीं। अडियाला जेल से सिर्फ एहतजाज की ही कॉल क्यों आती है? कभी खैबर पख्तूनख्वा में तामीर और तरक्की के लिए हिदायत क्यों नहीं आती? कभी सुना जेल से पैगाम आया हो कि रोटी सस्ती करो, हेल्थ कार्ड दो, किसान कार्ड दो? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया, मुल्क को संभालने में 2 साल लगे, पीटीआई के गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, मिसाक जमहूरियत में जजेस के सिलेक्शन का तरीकाकार तय है। मिसाक जमहूरियत में वाजह है अदालतें कैसे बनेंगी। जजेस कमेटी ने जजेस की भर्तियों का निज़ाम पेचीदा बना दिया है। आईनी तरमीम के लिए मौलाना को राजी करने की हुकूमती कोशिश जारी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुलाकात के बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइंदा 2 हफ्तों में आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात वाज़े हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान का मौकफ़ है कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। मौलाना चाहते हैं कि आईनी तरमीम में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आइन से मुतसादिम हो। हम नहीं चाहेंगे मौलाना फजल रहमान के बगैर आईनी तरमीम हो। चाहते हैं मौलाना फजल रहमान हमारे साथ रहें और हमारा साथ दें। पीटीआई वालों को मौलाना मुतमईन कर लेते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के IMF की शराइत के तहत कौमी मालियाती माहदे पर दस्तखत। KP हुकूमत की मरकज से वजारती कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि मुल्क के मफाद में कौमी मालियाती माहदे के साथ हैं। KP काबीना ने तरमीम पर 5 से ज्यादा सवाल उठाए थे जिन पर फाइनेंस डिवीजन ने वजाहत दी है। वफाकी वजीर खजाना ने वजारती कमेटी के क्याम पर रजामंदी जाहिर की है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब गिरे, अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। ईरानी फौज के सरबरा ने कहा कि उम्मीद है सहूनियों ने इस पैगाम को समझ लिया होगा। चाहते तो इसराइली इक्तसादी तंसीबात को निशाना बना सकते थे, सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले को तरजीह दी। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इसराइल का ईरान की तेल की तंसीबात को निशाना बनाने का खदशा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल कुछ रोज में हमला कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई ने खबरदार किया कि ईरान का अगला हमला कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़शी ने भी ईरानी हमले की सूरत में मज़ीद सख्त जवाब देने का ऐलान कर दिया। ईरान के खिलाफ इसराइल को फजाई हदूद इस्तेमाल की इजाज़त देने वाला मुल्क खुद जिम्मेदार होगा। इसराइली वज़ीर आज़म का ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। साथ ही ईरान को धमकी भी दे दी कि हमलों की कीमत चुकाना होगी। ईरान के हमलों पर इराक, ईरान, लबनान और गजा में शहरियों का जश्न। रूस की इसराइल और ईरान से तहमुल का मुजाहरा करने की अपील। चीन ने आलमी ताकतों से मशरक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल संभालने का मुतालबा कर दिया। कहा बासर आलमी ताकतें तामीरी किरदार अदा करें, सूरत हाल को मजीद खराब होने से बचाएं। सऊदी अरब का भी खिते में कशीदगी कम करने का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान को इसराइल पर हमले के नतज से खबरदार किया। कहा इसराइल को अमरीका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। बरतानवी वजीर अजम सरखी स्टामर का भी इसराइली हिमायत का इजहार। फ्रांस ने मशरक वुस्ता में फोर्सेस को मुतहरिक कर दिया। जर्मन चांसलर ओलिफ शोल्स और ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम ने खित्ते में कशीदगी कम करने का मुतालबा किया।
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का गजा के मुतासरीन के लिए हंगामी इमदादी फंड का ऐलान। कहा वो गजा मुतासरीन के लिए मजीद $3,00,000 रकम जारी कर रही है जो फलस्तीनी बच्चों के बहाली के लिए काम करने वाली इंसानी हकूक तंजीमों को दी जाएगी। फंड से गजा के बच्चों के लिए खुराक, साफ पानी और तिबी इमदाद समेत दीगर जरूरियात का इंतजाम किया जाएगा। मलाला यूसुफजई का गजा में फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा। मलाला फंड अक्टूबर 2023 में भी इंसानी हकूक तंजीमों के लिए $3,00,000 जारी कर चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। कहा बाबर आजम का फैसला बैटिंग पर तवज्जो देने की ख्वाहिश का इजहार करता है। यकीन है वो शॉर्ट फॉर्मेट में टीम के लिए कामयाबी में अहम किरदार अदा करते रहेंगे। बाबर आजम ने गुज़श्ता रात सोशल मीडिया पर बयान में अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। ज़राए का कहना है कि बाबर आजम साथी खिलाड़ियों से दूरी और कदर न होने के बायस कप्तानी से दस्तबरदार हुए। T20 वर्ल्ड कप के बाद बोर्ड से किसी ने ना उनसे राबता किया ना ही किसी मुशावरती अमल में शामिल किया। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 20 टेस्ट, 43 वनडे और 85 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम के व्हाइट बॉल क्रिकेट से इस्तीफे को साबिक जनूबी अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स ने खुशाइंद करार दिया है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, मुबारक हो, आप बहुत शानदार रहे हैं, अब आप अपनी टीम के लिए बहुत ज्यादा रन करेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई ने फिर मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन रिकॉर्ड एफआईए से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है, हफ्ता 10 दिन में हमें एफआईए से रिकॉर्ड मिल जाएगा, मजीद मोहलत देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और गुशा बीबी पर फर्दर जुर्म आयद करने की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मौखर। समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें वुकला से मुशावरत की इजाज़त नहीं दी गई, उन्हें वुकला से मुशावरत की इजाज़त दी जाए। अदालत ने केस की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बैंकिंग के शोबे के लिए हमारा वाज़ह पैगाम है, निजी शोबे को कर्ज दें, निजी शोबा ही मुआशी तरक्की की क़यादत करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान इकोनॉमिक डैशबोर्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क और तसलसल फराहम करेगी। हाल ही में टी बिल्स के लिए तमाम बोलियाँ मुस्तरद करके वाज़ह पैगाम दिया है कि हुकूमत अब कर्ज अपनी शरायत पर लेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि आईएमएफ के किस्त आने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर तक आ गए। ज़र मुबादला के ज़खायर अब 2 माह की इम्पोर्ट के बराबर हैं। हुकूमत के माली मामलात में बेहतरी आई है, ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं, तरसीलात ज़र में इजाफा, डॉलर्स की सप्लाई बेहतर है, फॉरेक्स मार्केट में इस वक्त रुपये पर कोई दबाव नहीं। बागी जिना में जलसे की इजाज़त ना देने पर पीटीआई की डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और एसएसपी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सिंध हाईकोर्ट का डीसी और एसएसपी ईस्ट को 7 अक्टूबर तक पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म अदालत में तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने बताया, सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जलसे के दौरान दहशतगर्दी का खतरा है। अदालत ने कहा कि पिछली बार भी कहा था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और मीटिंग मिनट्स पेश किए जाएं। दरख्वास्त गुजार को मुतबादिल जगह पर जलसा करने की इजाज़त दी जा सकती है। जलसे की इजाज़त दें, कोई कानून को हाथ में लेता है तो कानून नाफिज करने वाले इदारे इख्तियार रखते हैं। पीटीआई के सदर परवेज इलाही का कहना है, मौजूदा हुकूमत ने किसानों का बुरा हाल किया, सेहत कार्ड खत्म किया, तरक्याती मंसूबों को नुकसान पहुंचाया, बिजली महंगी और टैक्स लगाकर आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। एहतसाब अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनका पूरा खानदान बानी पीटीआई के साथ है और साथ रहेगा। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब ऑपरेशन, बीएलए के 6 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 12 सितंबर को बीएलए के ठिकानों पर कामयाबी से मुश्तरका ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और लोगों पर बराह रास्त हमलों में मुलविस थे। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया, बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत शंघाई तावन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों पर इजलास। स्कूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि एससीओ सरबराही इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पाक फौज, रेंजर्स, एफसी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। मुतालिका इदारे बाहमी तावन से अपना मुतायन करदा किरदार अदा करें। फैसलाबाद में चौक घंटा घर पर पीटीआई कारकुनों और पुलिस में तसादुम। पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल। शहर के मुख्तलिफ मकामात से दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर रुकन पंजाब असेंबली ख्याल कास्तरो और असद महमूद समेत 500 से ज्यादा अफराद ज़ेरे हिरासत। बहावलपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के 100 से ज्यादा कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। 5 कारकुन गिरफ्तार। फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबटक सिंह, मियाँवाली, चिन्योट और झंग में दफा 144 नाफिज है। तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज का ऐलान कर रखा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्ला का कहना है कि कभी शॉर्ट मार्च, कभी लॉन्ग मार्च, कभी इस्लामाबाद का घेराव, पीटीआई का रवैया सियासी रवैया नहीं, ये मुल्क में एनार्की, तशद्दुद और अफरा तफरी चाहते हैं। पीटीआई को रोकना आईन, कानून और जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। वज़ीर इत्तला'आत सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि मखसूस शख्स के लिए नहीं, इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। जिन लोगों ने अदलिया को आंखें दिखाई वही मंजूर नजर बने हुए हैं। बानी पीटीआई पर जितने केसेस साबित होते हैं इसके बावजूद अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। एक शख्स को फेवरेट समझकर रिलीफ फैक्ट्री खोल दी गई है। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस मीरपुर खास की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 18 मुलजमान को 7 रोज के रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। मुलजमान के खिलाफ डॉक्टर शाहनवाज की तदफीन में रुकावट और लाश चलाने का मुकदमा दर्ज है। जावल के गांव मोहम्मद खान लोदो में पोलियो का केस रिपोर्ट। डीएचओ डॉक्टर मोहम्मद हनीफ का कहना है कि 1.5 साल मुतासरा बच्चे को पोलियो के खिलाफ चलाई जाने वाली तमाम मुहिम के दौरान हर बार वैक्सीन पिलाई गई थी। पोलियो टीम को वजूहात मालूम करने के लिए भेज रहे हैं। फोकल पर्सन पोलियो प्रोग्राम डॉक्टर अनवर का कहना है इस्लामाबाद सैंपल भेजे थे लेकिन अब तक रिपोर्ट शेयर नहीं की गई। गुज़श्ता रोज कराची ईस्ट और सजावल में पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक की गई थी। डिस्ट्रिक्ट जेल डेरा मुराद जमाली के करीब कैदी वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग, कैदी हलाक, 3 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दबदल के केस में मुलजम सारिम बर्नी ने सेशन कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। समाअत कल होगी। मुलजम की इससे कबल मजिस्ट्रेट की अदालत से 2 बार दरखास्त जमानत मुस्तरद हो चुकी है। मुलजम सारिम बर्नी अदालती रिमांड पर जेल में। महकमे मौसमियात की अक्टूबर में दर्ज हरारत बढ़ने की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 9 या 10 अक्टूबर से गर्मी और बढ़ेगी। 6 या 7 अक्टूबर से इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है। स्कर्दू कालाम में दर्ज हरारत गिरकर 6 डिग्री तक आ गया। महकमे माहौलियात पंजाब का स्मॉग की रोकथाम के लिए एक्शन। सरगोदा, कसूर और लैया में धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियां सील। ईंटों के भट्टे गिराकर मुकदमा दर्ज कर लिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की महकमे माहौलियात के अफसरान और अमले को शाबाश। कहा पंजाब को स्मॉग फ्री और जहरीले धुएं से पाक करके माहौल और इंसानी जिंदगी दोनों को बचाना। जो मच्छर डेंगू वायरस फैलाता है वही चिकनगुनिया भी फैलाता है। दोनों केसेस में एहतियात एक जैसी है। मालिश मुतादी अमराज डॉक्टर फैसल महमूद की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा नज़ला, खांसी और गले में दर्द चिकनगुनिया की अलामत नहीं। चिकनगुनिया की अलामत में तेज बुखार, जिस्म और जोड़ों में दर्द शामिल है। चिकनगुनिया और डेंगू में मुब्तला अफराद पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और फौरी डॉक्टर से रुजू करें। तीन फीसद पाकिस्तानियों ने फिशिंग स्कैम का सामना किया। जालसाजों ने ईमेल के जरिए बैंक अकाउंट और निजी मालूमात हासिल करने की कोशिश की। 97% ने ऐसी कोई ईमेल ना आने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया।
जालसाज आलमी सतह पर ज्यादा मुतहरिक 34% ने ईमेल के जरिए बैंक अकाउंट और निजी मालूमात हासिल करने की कोशिशों का सामना किया। मशरक़ वस्ती में 11% जालसाजों से परेशान नजर आए। सर्वे में 2% पाकिस्तानियों ने निजी डेटा इंटरनेट पर लीक होने की भी शिकायत की। अलबत्ता 98% ने महफूज होने का कहा। निजी मालूमात इंटरनेट पर लीक होने की आलमी सतह पर शरह 13% नजर आई। जनूबी लबनान में हिजबुल्ला की इसराइली फौज से झड़पें। इसराइली मीडिया के मुताबिक 10 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली फौज का जनूबी लबनान पर ड्रोन हमला। लबनानी फौज का अहलकार जख्मी हो गया। लबनान पर इसराइली हमलों में मजीद 55 अफराद शहीद। अब तक 1873 शहरी जान बहक हुए। बेघर होने वाले शहरियों की तादाद 10 लाख से ज्यादा हो गई। इसराइली फौज का बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों के रिहायशियों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम। इसराइली फौज की गजा के पनाह गुजीन स्कूलों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज रात होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। जनूबी और शिमाली अमरीका, पैसिफिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर शुरू होगा और रात 2:47 पर खत्म होगा। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले तालीमे बालिगा को खूब दाद मिली। फेस्टिवल में आज रात पाकिस्तानी थिएटर प्ले सिवर आज की ताज़ा खबर पेश किया जाएगा। फेस्टिवल अब 2 नवंबर तक जारी रहेगा। सैर के लिए पाकिस्तान आने वाले अमरीकी शहरी इस्माइल को भी शरीक हयात। दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गई। इस्माइल ने पाकिस्तान आकर दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की तो हानिया से उनका मैच मिल गया और दोनों ने शादी का फैसला भी कर लिया। जल्द ही घर वालों की रजामंदी से शादी भी तय पा गई। और मुनफरिद अंदाज किरदार यादगार चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की सालगिरह नहीं भूले परस्तार।